लेक्चर में हमने देखा कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा है। हम ले सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय एक सेकेंड पेन नहीं चल रहा है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। साइन को इधर ले जाएंगे तो हम ये ले सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये डिवाइड में था इधर चला गया, ये इधर आके डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर आ गया। फिर हम ले सकते हैं सेक थीटा जो है सेक और उसका भाई कॉस थीटा और उसके भाई का थीटा, उसका भाई कौन है सेक, दोनों का प्रोडक्ट होता है 1, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, बेस बेस कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, तो कॉस और सेक का प्रोडक्ट आ जाएगा 1। तो कॉस को लिखना हो तो हम ले सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, और सेक को लिखना हो तो हम ले सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस को लिखना है तो सेक को नीचे ले जाए, सेक को लिखना है तो कॉस को नीचे ले जाए। ठीक है, ये भी आ गया समझ में। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है, गुणा टेन थीटा लिखना है तो कॉट को डिवाइड में ले ले तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 क्यों आता है, टीचिंग फिजिक्स बोर, और कॉट हो जाएगा बोर फिजिक्स, पी भी गड़ गया, पी अरे पी भी तो कितना आ गया 1 आ गया। तो टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1, तो टेन हो गया 1 बाई कॉट, टेन थीटा हो गया 1 बाई कॉट थीटा, या इधर से कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, मिटा देते हैं। जो कॉट थीटा होता है ये कॉस थीटा हो, टेन ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल का जो टेन होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा क्या है, थीटा है एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल, थीटा एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल का जब हम टेन लेंगे इस एक्यूट एंगल का जब हम टेन निकालेंगे टीचिंग फिजिक्स बोर आना चाहिए, तो साइन और कॉस का जब रेशियो लेते हैं तो टेन ही आता है।
साइन क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। एच एच कट गया, पी वाई बी आ गया, टीचिंग फिजिक्स बोर आ गया ना। तो जब साइन और कॉस को भाग दिए तो टेन आ गया। तो टेन जो है साइन और कॉस को डिवाइड करने से आता है। साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, टेन आ जाएगा। और आगे देखते हैं, ये कुछ चीज़ें हमें याद रखना है। सम पीपल हैव क्वेश्चन लगाने के लिए कर्ली ब्लैक हेयर, टीचिंग फिजिक्स बोर। क्या याद रखेंगे? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टीचिंग फिजिक्स बोर। किसी ने बोला कॉस का फॉर्मूला बताइए, आपको याद होना चाहिए कर्ली ब्लैक हेयर। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाल लेंगे, कॉस आ जाएगा। किसी ने बोला टेन का फॉर्मूला बताइए, तो हमें याद आना चाहिए टेन बराबर टीचिंग फिजिक्स बोर। परपेंडिकुलर का बेस का रेशियो निकाल लेंगे, टेन आ जाएगा। साइन, ये साइन थीटा है, थीटा एंगल का साइन लिया गया है, थीटा एंगल का कॉस लिया गया है, थीटा एंगल का टैन लिया गया है। यहाँ पे थीटा एंगल का टैन, थीटा एंगल का कॉस, थीटा एंगल का साइन। साइन का भाई होता है कॉसेक, कॉस का भाई होता है सेक, टैन का भाई होता है कॉट। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है, कॉसेक इसका उल्टा होगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होगा। टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है, तो कॉट इसका उल्टा होगा, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा। साइन और कॉसेक का जब गुणा कराएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, साइन और कॉसेक का जब गुणा कराएंगे ये वन आता है। साइन यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, एक सेकेंड, कॉसेक साइन का उल्टा है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, वन आ जाएगा। तो साइन और कॉसेक का गुणा कराने से वन आता है। ऐसे ही साइन थीटा और कॉसेक थीटा गुणा कराएंगे, वन आएगा। कॉसेक उधर ले जाए तो वन बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन, या कॉसेक को हम ले सकते हैं वन बाई साइन थीटा। चलिए और भी देखा आपने, कॉस और उसका भाई जो है सेक, दोनों का गुणा वन आएगा। सेक को इधर लिख ले, कॉस थीटा हो जाएगा वन बाई सेक थीटा। सेक को ले सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, सेक को ले सकते हैं वन बाई कॉस थीटा। कॉस को वन बाई सेक लिखते हैं, क्योंकि गुणा में उधर जाके डिवाइड में हो गया। सेक को लिखना है तो वन बाई कॉस लिख दें, सेक को लिखना है तो वन बाई कॉस लिख दें। ठीक,
टेन और कॉट का प्रोडक्ट वन होता है, टेन और कॉट का प्रोडक्ट वन होता है, टेन को ले सकते हैं वन बाई कॉट, कॉट को ले सकते हैं वन बाई टेन, ठीक है ये भी कर सकते हैं। ये क्यूट एंगल होना चाहिए, क्यूट एंगल थीटा के लिए डिफाइंड है, क्यूट एंगल, ये जो एंगल है, ये जो कोण है, क्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है ये भी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, बची हुई वाली साइड को बेस कहते हैं। नाइन्टी के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, अगर इस एंगल की बात हो रही थी, इस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और बची साइड को बेस कहेंगे। अगर इस एंगल की बात हो रही थी, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, बची हुई वाली बेस कहलाएगी। तो पाइथागोरस का कहना था जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू ये सम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, नाइन्टी के सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके सामने वाली साइड जो है उसका स्क्वायर जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। 90 डिग्री के जो सामने साइड है उसको जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड पता हो, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता है तो बेस आ जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेनस आ जाएगा, कोई भी दो साइड पता हो तीसरी हम निकाल सकते हैं।